एबीपीएस न्यूज सच का साथी। मिर्जापुर नवागत पुलिस अधीक्षक चालनी ने मिर्जापुर की कानून व्यवस्था संभालते ही शराब माफियाओं के कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर एक बड़े गैंग का खुलासा करते हुए 3 शातिर तस्कर को गिरफ्तार करने के साथ साथ लगभग 40 लाख रुपए की अवैध शराब मिर्जापुर पुलिस ने जब्त की है। इस मामले में किस तरीके से घेराबंदी करके इस ट्रक को पकड़ा गया, इसके बारे में मिर्जापुर की पुलिस कप्तान शालिनी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की एक रिपोर्ट। और जो अरोरा थाना अध्यक्ष है, उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो है अवैध शराब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का जो संबंध है, ये बिहार राज्य में सप्लाई के लिए ले जा रहे हैं। इनकी सूचना पे विश्वास करके जब हम लोगों ने हाईवे रोड पे चेकिंग कर रहे थे, जब चेक किया गया तो इसमें ये एक ट्रक पाया गया जिसमें 1200 पेटी शराब की मिली है। और ये जो है इनके लैबलिंग जो रैपर वगैरह थे, ये हरियाणा और पंजाब के थे और ये बिहार ले जाए जा रहे थे इलीगल तरीके से, जिसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपया है। इस काम के लिए हमने 5000 रुपए का इनाम घोषित किया। कितनी गिरफ्तारी है इसमें? इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक जाहिद है और एक जाहिद हुसैन और एक जाहिद खान जो हरियाणा के रहने वाले हैं, और अमितांशु चंदोली के रहने वाले हैं। 2 लोग हैं, नन्ने और सोनू, नाम पता अभी देखा जा रहा है उनका, बाकी का ये 2 फरार। मैम कहाँ लेके जा रहे थे? अच्छा मैम, ये तीसरी घटना है जब 4 मोबाइल भी मिले हैं और ये ट्रक जिसके नाम पे है। इन सब का आगे हम इन्वेस्टिगेशन में इसको चेक करेंगे कि किस तरह से इसमें सफाई की जाती है और इनका गैंग का पंजीकरण भी कराया जाता है। थैंक यू। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।